हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो मैंने एक एक्टिव राहुल जी की वीडियो को देखकर बनाया है कि हम लोग कैसे अपनी डाल वीडियो करके को वीडियो वायरल को कर वायरल कर सकते सकते हैं। तो हो। देखिए, मैंने आपने मैं पता उनकी यूट्यूब वीडियो पर का छोटी अपनाया सी और क्लिप मेरी आपको वीडियो दिखा आपके रही कहने हूँ। से वायरल हो गई सर। आपका जी, मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने 3-4 चैनल बना के मतलब अपने ब्लॉग वगैरह अपलोड करती थी, लेकिन मेरे एक भी व्यूज नहीं आते थे। मैं बहुत परेशान थी। मेरे एक चैनल, ये वाला चैनल पे मैंने और जो मैं गणेश आर्ट बना रही हूँ, ये मैंने टीचर संजय के मैंने चैनल को देखा, तो उसको देखकर बना रही हूँ। मैं इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उनका जहाँ से मैंने ये लिया है, आइडिया मैंने लिया है कि किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। लेकिन मैं बना इसे फोटोशॉप पे रही हूँ, उन्होंने मैनुअली बनाया था, तो मैं इसको पेंसिल टूल से इसको बना रही हूँ। उस वाली वीडियो को देखिए, आइडिया मैंने टीचर संजय जी के उससे लिया है, और ये मैंने एक्टिव राहुल जी की वीडियो से देखकर मैंने प्लान किया कि चलो मैं भी करके देखती हूँ। और ये मैं आर्ट तैयार कर रही हूँ, देखिए पेंसिल से मैं इसको बना रही हूँ। उन्होंने शायद ये पेपर पे बनाया था और मैं इसको कंप्यूटर पे बना रही हूँ। उतना अच्छा तो नहीं बना रही, क्योंकि पेपर पे एकदम स्मूथ हाल चलता है, लेकिन कंप्यूटर पे मैंने उनको देख देख के कोशिश किया है बनाने की, और थोड़ा चेंज मैंने कर दिया है क्योंकि अपने स्टाइल से कर दिया है, क्योंकि जो मेरा अपना पर्सनल स्टाइल है वो मैंने इसमें लिया है। तो देखिए मैं कैसे इसको पेंसिल से ड्रॉ करती जा रही हूँ, और अगर मेरी वीडियो वायरल होती है तो मैं एक्टिव राहुल जी को थैंक्स बोलूँगी कि उनकी वीडियो देखकर मैंने इस वीडियो को बनाया है और कोशिश की है कि मैं पहली बार किसी को अपने चैनल पे बता रही हूँ, कि क्योंकि मैं उनकी वीडियो सुबह देख रही थी तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा चलो कोशिश करके देखने में कुछ नहीं जाता। तो देखिए अब मैंने इसमें कलर्स डालने शुरू कर दिए हैं। अभी मैं पेंसिल से कर रही हूँ, लेकिन मैं सोचूंगी चलो क्यों ना मैं पेन टूल का ही यूज़ करूँ, जैसे मैं करती आ रही हूँ। अब मैं बकेट टूल का यूज़ करके इसमें कर रही हूँ, बकेट टूल से फिल कर रही हूँ फटाफट फटाफट। हमने आउटलाइन की एक ऊपर लेयर बना ली थी और कलर्स की मैं उसके नीचे ये वाली लेयर बनाई है। देखिए बकेट टूल से मैं इसमें कलर फिल करती जा रही हूँ, और ये जितनी देर की वीडियो है ना, ये गणेश जी उतनी ही देर में बन के तैयार भी हो गए हैं, क्योंकि मैं वो उस तरफ उनकी वीडियो देखती जा रही थी और फटाफट 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 मैं इसको करती जा रही हूँ। ये शेडिंग करने का मेरा अपना ही स्टाइल है, मैंने जैसे इसमें वो ली है ना, अभी तो मैं इसमें फिल कर रही हूँ बैकग्राउंड वगैरह में, बकेट टूल से मैं कलर फिल कर रही हूँ। और मैं राहुल जी का भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी अपने इसमें, और टीचर संजय जी का भी, क्योंकि मैंने उन्हीं की वीडियो से आइडिया लेके, दोनों की वीडियो से आइडिया लेके बनाया है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो शायद आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगनी चाहिए क्योंकि मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है दूसरे से आइडिया लेके, वरना हमेशा मैं अपने ही आइडिया से कुछ ना कुछ बनाती हूँ, लेकिन ये मैंने उनके आइडिया से बनाया है, टीचर संजय जी के आइडिया पर मैंने स्टाइल अपना लिया है। उन्होंने तो बहुत ही खूबसूरत बनाया था, लेकिन मैंने कोशिश की है उस तरीके से बनाने की। और अब ये मेरी कंप्लीट होने के कगार पे आ रही है, जो छोटी मोटी जो चेंज है, जो कमियां हैं, वो मैं इसे कंप्लीट करती जा रही हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में शेडिंग होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना मतलब मज़ा नहीं आता कि हैंडमेड हमने बनाई हो, क्योंकि हैंडमेड का मज़ा तो जब ही है ना जब उसमें शेडिंग वगैरह हो। तो वही मैंने जैसे ब्रश में, जैसे कि हैंडमेड बनाते हैं
उसी तरीके से मैंने इसको ब्रश को अपने हैंडमेड तरीके से मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और देखिए वैसे तो बहुत ही खूबसूरत गणेश जी लग रहे हैं, और मैं समझती हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे। मैं बहुत पास से दिखा रही हूँ आपको कि कैसे मैंने एक एक स्ट्रोक दिया है। देखिए कलर कॉम्बिनेशन ही बहुत सुंदर है। अब थोड़ी डेप्थ में देने रहती है, वो मैं इसमें कंप्लीट करती जा रही हूँ। देखिए अब कलर कॉम्बिनेशन और गणेश जी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो वॉच